डब्ल्यूटीसी फाइनल से भारत सिर्फ 6 कदम दूर, समझे डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारतीय टीम के पहुंचने के सारे संकेत। जी हां, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया, चारों खाने चित कर दिया है और भारी भरकम अंतर से जीत अर्जित की। इस जीत के बाद भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल के एक कदम और पास आ चुकी है और सिर्फ उनको 6 कदम की और चढ़ाई चढ़नी है, जिसके बाद वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल पहुंच जाएंगे। आखिरकार भारतीय टीम का समीकरण क्या है, वो 6 कदम कैसे होने वाले हैं, किस तरीके के 6 कदम उनको तय करने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय टीम का पूरा समीकरण समझाएंगे कि भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में कैसे पहुंचेगी, कितने प्रतिशत पहुंचने के चांसेज हैं और उनका पूरा समीकरण क्या है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन टीम के भी समीकरण को समझाने का प्रयास करेंगे और फिर अन्य टीमों पर भी गहन चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य करिएगा। अगर हम बात करें अपडेटेड पॉइंट्स टेबल की तो कुछ इस प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, भारत के 71.6 पॉइंट है, कंगारू टीम के 62.5, न्यूजीलैंड तीसरे पे 50 के साथ, श्रीलंका 42.8 पॉइंट के साथ चौथे पे, इंग्लैंड पांचवें पे, बांग्लादेश छठे, साउथ अफ्रीका सातवें, पाकिस्तान आठवें, वेस्टइंडीज नौवें। अगर हम बात करें कौन कौन सी टीमें लड़ाई हैं तो सबसे ज्यादा संभावनाएं जिन टीमों का डब्ल्यूटीसी के फाइनल पहुंचने का है वो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा तीसरे नंबर पर लड़ाई लड़ती हुई न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले हम समीकरण समझेंगे भारतीय टीम की, क्योंकि आप यहां पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत का समीकरण समझने के लिए। इसके अलावा हम बताएंगे कि दूसरी टीम कौन होगी, वो ऑस्ट्रेलिया होगी, श्रीलंका होगी या फिर न्यूजीलैंड होगी, कैसे होगी, इस पर भी गहन मंथन किया। लेकिन चर्चा सबसे पहले भारतीय टीम की, उसके समीकरण को हम समझाते हैं, भारतीय टीम के कितने मुकाबले बचे हुए हैं, कितनों में से उनको जीतना है हर हाल में, हर सूरत में, अगर उनको डब्ल्यूटीसी के फाइनल पहुंचना है और कैसे जीतना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कितना रियलिस्टिक चांस है कि भारतीय टीम पहुंचेगी डब्ल्यूटीसी फाइनल में कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, यहां से अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो इनको कुल मुकाबले खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 1-3 मुकाबले इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड श्रृंखला में खेलनी है और 5 मुकाबले इनको खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टोटल भारतीय टीम को कुल 9 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले, तो एक बड़ा कंटेस्ट है भारतीय टीम के लिए। सबसे बड़ा जो कंटेस्ट होगा वो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर। लेकिन 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 उससे पहले भारतीय टीम को अपनी सरजमी पर 4 मुकाबले खेलने, ये ध्यान में रखिएगा कि 4 मुकाबले भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर खेलने। अब उससे भी बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात और खास बात पर आते हैं कि ये 9 मुकाबले भारतीय टीम को जो खेलने उसमें से जीतने कितने हैं। तो देखिए, अगर भारतीय टीम पहले पायदान पर रहना चाहती है तो 6 मुकाबले यहां से जीतने, यानी 3 को वो हार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हर हाल में हर सूरत में जीतने हैं अगर वो पहले पायदान पर रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पायदान पर, तो 5 जीत और 1 ड्रॉ से भी भारतीय टीम का यहां से काम हो जाएगा, वो भी ड्रॉ बांग्लादेश के खिलाफ ना आए, अगर ड्रॉ आए न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो अच्छी बात रहेगी। तो 5 जीत 1 ड्रॉ, ये भारतीय टीम का समीकरण है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में मिनिमम पहुंचने का, और मैक्सिमम क्या 6 जीत अगर कर लेते हैं तो पहले पायदान पर आकर पहुंच जाएंगे। तो इसमें दुविधा की बात क्या है, देखिए 4 मुकाबले अगर भारतीय टीम बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को लगातार हराती है, आप देख सकते हैं क्योंकि संभावनाएं प्रबल है, अगर आप भारतीय टीम को जानते हैं, समझते हैं और अपनी सरजमी पर भारतीय टीम खेल रही है तो न्यूजीलैंड को हराना बहुत कठिन कार्य नहीं है, 3 के 3 मुकाबलों में हरा सकते हैं, 1 मुकाबले में बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं, तो 4 मुकाबले यहां पर चले गए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको हर एक सूरत में 1 मुकाबला कम से कम जीतना होगा और 1 ड्रॉ खेलना होगा। अगर वो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1 जीतते हैं या फिर और फिर 1 ड्रॉ खेलते हैं और 3 के 3 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ अगला मुकाबला जीत जाते हैं, तो भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच जाएगी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, 5 जीत 1 ड्रॉ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको हर एक सूरत में 1 मुकाबला जीतना होगा और 1 ड्रॉ खेलना होगा। अगर ऐसा भारतीय टीम करती है तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच जाएगी, और जिस तरीके से भारतीय टीम इस वक्त खेल रही है, जिस फॉर्म में है भारतीय टीम, इनका पहुंचना लगभग तय है, रियलिस्टिक दिख रहा है समीकरण और काफी फेवरेबल समीकरण दिख रहा है, क्योंकि 3 मैचों की श्रृंखला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली, अगर वो न्यूजीलैंड में होती तो ये चीजें फिर कठिन हो जाती भारतीय टीम के लिए, लेकिन भारत में है तो अब आसान दिख रहा है, बहुत कठिन नहीं है।
ये भारतीय टीम के, अगर हम लहजे की बात करें या भारतीय टीम के हम पोटेंशियल की बात करें तो उससे कम का डिमांड है भारतीय टीम से, तो वहां पर उनको ये एकम्प्लिशमेंट करना चाहिए, ये हासिल करना ही चाहिए। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। यहां पर ऑस्ट्रेलिया को 3 मुकाबले यहां से जीतने हैं, 1 ड्रॉ खेलना है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर जाती है तो वो पहुंच जाएंगे। वहीं कीवी टीम की बात करें तो इनको भी टोटल 8, भारत को 9 मुकाबले खेलने हैं, तो न्यूजीलैंड को 8, और इनको 8 में से 6 जीत या फिर 5 जीत या 1 ड्रॉ करना है, तब जाकर ये WTC के फाइनल में जगह बनाते हुए दिखेंगे। तो ये तीनों टीमों का समीकरण है। भारतीय टीम को क्या करना है, अपने 9 जो बचे हुए मुकाबले हैं उसमें से क्या 5 जीत 1 ड्रॉ और फिर या 6 जीत तो पहले पायदान पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को 3 जीत यहां से हासिल करना है, 1 ड्रॉ करना है, और न्यूजीलैंड को 8 बचे हुए मुकाबलों में से क्या करना है, 5 जीत 1 ड्रॉ या फिर 6 मुकाबले जीतना है, तो ये फाइनल में पहुंचेंगे। समीकरण साफ है, भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच कड़ी लड़ाई है। देखना दिलचस्प रहता है कि WTC के फाइनल में पहुंचता कौन है, किससे किसका टक्कर होता है। भारतीय टीम के पहुंचने के चांसेस बहुत प्रबल हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन करती है भारतीय टीम, ये तय करेगा कि भारतीय टीम WTC के फाइनल में पहुंचती या नहीं पहुंचती, लेकिन पहुंचने की संभावना बहुत। मिलते हैं अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।